subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update. Hi friends, तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है रदर देन अदर वीडियो. तो आज का वीडियो क्या है कि जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जो कि मैं राइडिंग के दौरान मुझे मिला है वो मैं शेयर करूँगा. और लाइक हम क्या मिस्टेक करते हैं राइडिंग के टाइम पे, क्यों एक राइड पूरा कंप्लीट राइड नहीं बन पाता है, उसमें मिस्टेक क्या होता है, व्हाट आर द मिस्टेक दैट वी आर डूइंग व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग और समथिंग ऑन अ राइड. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, व्हाट काइंड ऑफ बाइक दैट वी आर गोइंग टू चूज. सो सम ऑफ द टाइम वी आर एंडेड चूजिंग विद अ रॉन्ग बाइक. जो कि अगर एक रॉन्ग बाइक हम लोग चूज़ कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम डिफरेंट बाइक चूज़ कर सकते हैं. बट जब हम एक रॉन्ग बाइक चूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कोई एक टेरेन है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ रोडिंग है और उस टेरेन में हमें जाना है, तो ऑफ रोडिंग टेरेन्स है, तो उस वहाँ पे हम एक हैवी बाइक लेके नहीं जा सकते हैं. वहाँ के लिए आपको एक लाइट वेट बाइक चाहिए जो कि उस टेरेन को इजीली क्रॉस कर सके. और जैसे हो गया कि हमारा अगर 90% का ट्रैवल अगर रोड है तो उसके हिसाब से हम एक हैवी बाइक ले सकते हैं. तो हैवी बाइक में आपको ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपको जो विंड ब्लास्ट होता है या हैवी बाइक, जैसे कि एक बड़ा बाइक भी है तो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम पावर मिल जाता है जिसके वजह से आप फास्ट जा सकते हैं. बट जैसे कि हम लोग अभी इंडिया में हैं, तो इंडिया में फास्ट जाना मतलब हम लोग इतना भी फास्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो रोड कंडीशन है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो हम लोग मैक्स क्रूज़ करने के लिए 100-120 पे क्रूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप एक बड़ा बाइक चूज़ किए हो तो एंड आपको उसमें बड़ा बाइक के लिए एक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और जो पैसा आपने लगाए हैं ख़रीदने के लिए और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है उसके लिए देखा जाए तो एक जब बड़ा बाइक खरीदते हो या राइड के लिए यूज़ करते हो तो आपका जो एक्सपेंडिचर है द कॉस्ट विल गोज हाई एंड ऑफ द टाइम. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सो एज वी आर ए राइडर सो वी वांट टू ट्रैवल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रादर देन स्पेंडिंग सो मच ऑन द बाइक. सो इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन ए 150cc बाइक ऑल्सो that can take you to the any terrain in India. So there is that you have to choose. And another thing is you have to know your bike. So the best thing what I can tell you, your bike is the best bike for you, because you are riding your bike for quite a bit of long time. You know what is the condition of the bike, how you can travel on it. So after that, this is for the bike. So you shouldn't have choose a wrong bike for your travel. But what I feel, whichever bike that you are using, if you are using perfectly, then that's the best bike for you. So there is no need to change with the bike. So that's your bike for you. So second very common mistake that we are doing while we are on ride. So the second mistake is here, choosing of luggages. जो हम लोग हमारे साथ जो लॉगेज कैरी करेंगे उसके बारे में है. तो जैसे कि हम लोग एक बाइक राइड पे हैं, वी आर नॉट इन ए कार. तो अगर कार में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, वहाँ पर आप बहुत सामान कैरी कर सकते हैं. बट वाइल वी आर ऑन ए बाइक वी डोंट हैव टू टेक दैट मच लॉगेजेस, because end of the day if you are traveling for 4 or 5 days, so most of the time you will be wearing your riding gears, not the jeans and t-shirt
not that jeans or t-shirt that you have taken with you. So bolo hum log maximum of the time wo pehnenge nahi jo hamara riding gear hai jitna hum 6 to 7 ghanta ya 10 ghanta din mein riding karte hain to subah se shaam tak wahi pehnenge. Uske baad kya zarurat rehta hai? Agar we are staying on some place, उस टाइम पे हम लोग कुछ कैरी कर सकते हैं. 2 pair ऑफ जीन्स और 5 t-shirt उतना ले लिए तो उतना मोर देन इनफ रहता है. उसके बाद आप अपना जैसे कि स्लीपिंग गियर कैरी कर सकते हैं या आपका कैंपिंग गियर कैरी कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जो कि मेरे साथ भी हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा सामान पैक कर लेता हूँ और जो सामान कि वहाँ पर जाके काम में नहीं आता है और उसके बाद मुझे समझ में आती है कि नहीं ये था तो मुझे पैक करना नहीं चाहिए था. तो हम बाइक से राइड कर रहे हैं जाके एक डेस्टिनेशन, वहाँ पे देखना है, वहाँ का समझना है और आ जाना है, नहीं कि वहाँ पे जाके हमें घर बसाना है. तो आप खुद सोचिए, उतना ज़्यादा सामान लेके अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके बाद जो अगर आप कहीं पर होटल पे स्टे करते हैं तो वो सामान को आपको उठा के नीचे से उठा के होटल के अंदर लेके जाना है तो उसमें आपका कितना अगर बहुत ज़्यादा भारी है तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगा. तो जैसे कि मैं भी देखा हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर लाइक बिग बाइक्स, दे आर मेंट टू टेक सो मच हैवी लोड, बट लोग क्या करते हैं साइड में पैनियर, स्टॉप बॉक्स, टेल बैग, पैनियर के ऊपर 2 bags जो कि एक पैनियर के ऊपर और 2 bag रहेगा, फिर टैंक बैग करके पीछे की तरफ वो बाइक और नहीं लगता है, वो लगता है एक मालगाड़ी जैसा, लाइक एन ट्रैक्टर जैसा लगता है, ओवरवेटेड ट्रैक्टर. तो उतना अगर कैरी करते हैं तो उसमें भी क्या हो सकता है कि उतना अगर हम कैरी करते हैं तो उसमें ये हो सकता है कि जब कैरी करते हैं हम लोग तो हम अपना सफ्रेम ही तोड़ देंगे. तो ये था सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मिस्टेक जो कि मैं भी किया हूँ अपनी लाइफ में, तो इसको मैं बताना चाहता था. तो यहाँ पे आ गया तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा मिस्टेक हम लोग जो करते हैं, जो हम राइडिंग गियर पहनते हैं. राइडिंग गियर इज ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर राइड बिकॉज द सेफ्टी इज द नंबर 1 priority. तो जो राइडिंग गियर हम पहनते हैं उसमें हम लोग क्या गलती करते हैं, क्या पहनना चाहिए और गलती हम कहाँ पे करते हैं? तो ये मिस्टेक राइडिंग गियर का कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ. तो हम लोग अभी इंडिया में हैं, सो एज वी आर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी हॉट. सो जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारा कंडीशन जो है वो हॉट कंडीशन में रहता है तो हमें उस जगह पे अगर हम लोग उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर या अरुणाचल जो कि कोल्ड जगह है वो अगर हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और हमने एक ऑल वेदर जैकेट ले लिया है जिसके अंदर एयर वेंटिलेशन नहीं है और हम लोग उस टाइम पे गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? जब हम लोग गर्मी में ट्रैवल करेंगे इट विल स्वेट अलॉट, विल नॉट गेट द प्रॉपर एयर इनसाइड द जैकेट, सो वी विल फील टायर्ड इन सूनर टाइम एंड वी विल बी डिहाइड्रेटेड सून. तो उस जगह पे क्या करना है कि आप कंडीशन देखिए, कौन से कंडीशन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से कंडीशन, क्या वेदर कंडीशन है वहाँ पे, उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल जो राइडिंग गियर होता है वो चूज़ करें. अगर वहाँ पे कंडीशन जो है अगर आपका वहाँ पे कंडीशन सही है जिसके हिसाब से कि नॉर्मल वेदर कंडीशन है तो आप एक मैश जैकेट पहन के जा सकते हैं. अगर मानो कि आप नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहे हैं या आप कोई भी नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे की ठंडी ज़्यादा होती है और वहाँ पे आप एक मैश जैकेट पहन के नहीं जा सकते हैं. अगर आप मैश जैकेट पहनोगे तो आपके अंदर हवा जो है हवा बहुत ज़्यादा आएगा जिसके वजह से क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा उसके कारण आइदर आपका तबीयत ख़राब हो सकता है या आप चला नहीं सकते. उस टाइम पे क्या करना है, अगर आपका जैकेट है उसमें आपके लाइनर लगा हुआ है जैसे कि थर्मल लाइनर या विंटर लाइनर एज ए थर्मल लाइनर या आपका रेन लाइनर ये अगर लगा हुआ है तो आप उसको पहन सकते हैं. तो आप उसके हिसाब से चूज़ कीजिए. अगर आप ठंडी में जा रहे हैं और आपके पास लाइनर नहीं है तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा. और अगर आप
गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं और उस टाइम पे एक ऑल वेदर जैकेट पहन रहे हैं. सो ऑल वेदर जैकेट जो होता है मैक्सिमम टाइम वो इसलिए होता है कि वो कोल्ड और रेन से बचाने के लिए, वो मैक्सिमम उसके अलावा वो आपको समर में बचाने के लिए नहीं होएगा, क्योंकि उसमें एयर वेंटिलेशन तो बहुत ही नहीं होता ही नहीं है, जिसके हिसाब से आप स्वेट करोगे और खुद चला नहीं सकते हो, अंदर आपको लगेगा कि आप एक ओवन में बैठे हो. तो ये था. उसके बाद क्या है कि हम अगर ठंड जगह पे जा रहे हैं तो क्या गियर कैरी करें. अपार्ट फ्रॉम राइडिंग गियर वी शुड हैव ए वर्म क्लॉथ है, सो दैट वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें जो हम पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे हम आराम से स्टे कर सकें, वहाँ पे ठंड में रह सकें. और जैसे कि अगर समर हुआ तो आप कोई भी लाइक एक नॉर्मल ड्रेसेस में रह सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है समर में. और तीसरा हो गया उसी में कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ ए रेनी सीजन एंड वी आर ट्रैवलिंग, तो रेनी सीजन में जब हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे आइदर मैश जैकेट और ऑल वेदर जैकेट जो है दोनों सही से काम नहीं करता है. तो अगर आपके जैकेट में भी लाइनर हो एंड इससे वाटरप्रूफ जैकेट, बट उसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम ट्रैवल करने के बाद, जैसे 4 घंटा 5 घंटा रेन में ट्रैवल करने के बाद ये सोक करने लगता है. तो आप उस टाइम पे और कुछ चाहेंगे तो आप एंड ऑफ द डे ये होगा कि आप एक गीले कपड़ों में रहोगे. तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको हमेशा, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, आप एडिशनल रेन गियर कैरी करो आपके साथ, जिसके हिसाब से कि वो स्पेसिफाइडली रेन के लिए ही बने हैं, जिसके हिसाब से कोई अंदर आपका एक्स्ट्रा वाटर अंदर नहीं जा पाएगा और आप ड्राई रहोगे. तो जो चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे, चौथा मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग व्हेनेवर वी आर राइडिंग, सो द फोर्थ मिस्टेक इज नॉट ए कॉमन मिस्टेक बट स्टिल इट इज अ मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग सम ऑफ द टाइम. सो व्हाट वी आर डूइंग लाइक द मिस्टेक इज दैट वी आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली फॉर आवर राइड. सम ऑफ द टाइम वी प्लान फॉर द राइड बट इट्स हैपन विथ मी. ये मेरे साथ हुआ है 2 राइड्स में, जो कि मेरा बैंगलोर के आने के बाद फर्स्ट राइड था, जो कि बैंगलोर से कुर्ग का राइड था. तब हम लोगों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था और हम लोग सोचे कि चलो टेंट लेके चलते हैं, और जगह के बारे में हमें इतना मालूम नहीं था कि वहाँ पे टेंटिंग अलाउड है या इट्स नॉट अलाउड. वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, बट स्टिल व्हाट वी हैव डन, वी टुक द टेंट एंड वी वेंट देयर. सो आफ्टर वी रीच देयर वी फाउंड दैट वी हैव नो प्लेस टू टेंट. So from morning 4 o'clock till evening, as we haven't planned, and we are on 3 bikes and 6 members, we do not have a luggage carrier also at that time. But जैसे कि luggage carrier भी नहीं था, तो सब कुछ हमने अपना bag जैसे backpack में pack करके लेके गए. उसके बाद हम जब वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे टेंट करने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारा लॉगेजेस है हमारे पास, वी डू नॉट हैव ए होटल टू स्टे. तो उस दिन बहुत प्रॉब्लम हुआ था. जैसे सुबह 4 बजे से हम लोग निकल गए थे, वहाँ पे जाके होल डे हमने जगह एक्सप्लोर किया, बट विद द बैकपैक विद द हैवी लॉगेजेस लाइक टेंट बैग, टेंट स्लीपिंग बैग, टेंट पोल्स, एवरीथिंग जब मिला के बहुत वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुआ. तो उसके हिसाब से अगर आप कोई भी जगह ट्रैवल कर रहे हो, पहले पर दिन कितना किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर यू विल राइड एंड वेयर विल बी योर स्टॉप, अकॉर्डिंग टू दैट सर्च इन द प्लेस. डू यू हैव एनी होटल अवेलेबल हियर? इफ इट इज होटल अवेलेबल यू कैन बुक इट इन अ डे बिफोर और ए वीक बिफोर by choosing the plan, the rate. Some of the time hotel rates are changing during the season, so you can plan your ride. So second time while I was traveling to my hometown, it's like something 1500 kilometers from Bangalore,
And that time also I took it casually. After like riding so many rides also, I took it casually. I haven't planned the ride properly. I have planned it so that I can be reach my home by 30 hour, what it says by Google, and I am ready to ride for a 30 hour. That's not a problem for me. But वहाँ पे हुआ क्या, जो कि मैं समझ रहा था कि उस रोड पे एशियन हाईवे 45 जाता है, तो एशियन हाईवे 45 जाता है मतलब रोड्स आर प्रीटी गुड. सो ये अच्छा कहाँ से है? बैंगलोर से तिरुपति तक जब तक हम लोग NH नहीं दे पकड़ते हैं, बहुत ही ख़राब रोड है, सिंगल लेन रोड है. उसके बाद हम लोग जब तिरुपति पहुँच गए, तिरुपति के बाद वहाँ से 50 किलोमीटर के बाद जो रोड मिलता है वो बहुत ही परफेक्ट रोड है, जो कि परफेक्ट रोड जाके ख़त्म हो जाता है विशाखापट्टनम में. तो विशाखापट्टनम में जब रोड ख़त्म हो गया, वो जो एशियन हाईवे था, उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ. तो उसके बाद स्टिल मुझे 450 किलोमीटर का राइड बाकी था और मैं विशाखापट्टनम समथिंग 11 बजे तक मैं पहुंच चुका था, सुबह के 11 बजे तक. तो सुबह के 11 बजे से मुझे 450 किलोमीटर का राइड था. अगर वो 450 किलोमीटर अच्छा रोड होता, अगर मैं पहले से प्लान करता कि मैं जैसे पिछले दिन मैं दिन में 4 बजे निकला था, कंप्लीट नाइट नहीं सोया था, उसके बाद 11 बजे तक विशाखापट्टनम पहुंच गया, तो वहां पे मैं ये गलती किया था कि मैं विशाखापट्टनम के आगे कैसा रोड है मैं उसके लिए कुछ भी सर्च नहीं किया था, कुछ भी नहीं चेक किया था. तो मुझे लगा कि मैं और एक 450 किलोमीटर है, 6-7 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा. तो वहां पे क्या हुआ, जब मैं एंटर किया, उड़ीसा एंटर किया, तब वो रोड कंडीशन ही नहीं था. यू कैनॉट टेल लाइक ए रोड, इट्स लाइक ए ऑफ रोड और मड रोड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. And some of the roads are under construction, and so many trucks are on the way. So it is a single lane road, and आप single lane road पे बहुत सारे trucks हैं, उसके हिसाब से आप चला भी नहीं पाओगे ठीक से. तो तब क्या हुआ, जैसे मैंने plan नहीं किया था, अगर plan किया होता मैं वहाँ पे stay कर लेता और एक full day सुबह निकलता जहाँ पे कि truck भी कम रहता और मैं ठीक time पे पहुँच जाता घर. तो जैसे प्लान नहीं किया था, मुझे लगभग मैं 11:30-12 बजे वहाँ से विशाखापट्टनम से आगे गया, और 450 किलोमीटर को मुझे कंप्लीट करने में कुछ लगभग मुझे 14 घंटा समथिंग लग गया. तो ये होता है जब आप प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं. तो दोस्तों ये था 4 मिस्टेक जो हम रेगुलरली करते हैं. तो इसको मैं एक एपिसोड की तरह बताऊंगा, लाइक इट विल बी टेकन एज ए एपिसोड. सो वन बाय वन आप राइड करने के लिए आपको रेडी, जैसे कि कुछ भी टिप्स मिलता है मुझे, जैसे कि राइड के लिए कुछ भी मुझे टिप्स मिलता है, कहीं से मुझे नॉलेज मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपना राइड जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकें. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए इसमें, और अगर आपको आगे भी ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं हर दिन एक वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा. ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, बट सब्सक्राइब कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके वीडियो प्रोवाइड करूंगा और अपडेट करूंगा कि लॉन्ग राइड से इसमें क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग परफेक्ट राइड कर सकते हैं, ये सब मैं आपको अपडेट करते रहूँगा. तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना, कल फिर से मिलते हैं.